नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अंधाधुंध फायरिंग से 40 लोगों की मौत, 145 से ज़्यादा लोग घायल। रूस के मास्को में बड़ा आतंकी हमला, आतंकियों ने संगीत कार्यक्रम में की गोलीबारी, 40 लोगों की मौत। रूस की राजधानी मास्को में बड़ा आतंकी हमला हो गया है। बंदूकधारियों ने क्रोकस सिटी हॉल में घुसकर संगीत कार्यक्रम में ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिसमें 40 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस हमले में 100 से अधिक लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस आतंकी हमले को 4 से 5 आतंकियों ने अंजाम दिया। हमले में 40 लोगों के मारे जाने व 100 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने 100 से अधिक लोगों को इस हमले में बचाया है। घटनास्थल पर 70 से अधिक एम्बुलेंस मौजूद है, जो घायलों को अस्पताल ले जा रही है। हेलीकॉप्टरों को आग बुझाने के लिए लगाया गया है। हाल के बेसमेंट से 100 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी भी कुछ लोग छत पर मौजूद है। मॉस्को के पास कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले पर NSC के रणनीतिक संचालक समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि हिंसक गोलीबारी के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, हम अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम रूसी अधिकारियों से बात करने के लिए कहेंगे। तस्वीरें बहुत ही भयानक है और उन्हें देखना मुश्किल है। हमारी संवेदना इस भयानक गोलीबारी हमले के पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि एक कठिन दिन होने वाला है, इसलिए हम उनके साथ हैं। हमारे दूतावास ने मास्को में सभी अमेरिकियों को अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी बड़े समारोह, संगीत कार्यक्रम हुआ है, शॉपिंग हॉल से बचने के लिए एक नोटिस जारी किया है। उन्हें वहीं रहना चाहिए जहां वे है। विदेश विभाग से जुड़े लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस, न्यू भारत।